मरे को 100 दुर्रे। नेपरा ने आवाम पर फिर बिजली गिरा दी, कीमतों में 3.25 रुपए फी यूनिट इजाफा। इजाफा सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। इतलाक जून जुलाई और अगस्त के बिलों पर होगा। के इलेक्ट्रिक सार्फीन भी शिकंजे में आएंगे। सार्फीन पर 86 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कोई इतना एहसान नहीं कर रहा है, बहुत महंगा है पेट्रोल अभी भी। थोड़ा सा हो रिलीफ दें तो आवाम ज़्यादा दुआएं देगी इनको, नहीं देंगे तो फिर दुआएं तो हैं ही आवाम के पास इनको देने के लिए। रात को नोटिफिकेशन 15 रुपए कुछ पैसे, सुबह 4 रुपए कुछ पैसे। 4 रुपए तो यार कुछ भी नहीं है मेरे भाई, कम अज़ कम ये आवाम भी इतनी सख्त परेशान है, कम अज़ कम ये 100 रुपए लीटर हो तो फिर ठीक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अहकामात नज़रअंदाज, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी। पेट्रोल सिर्फ 4.74 रुपए सस्ता, नई कीमत 268.36 रुपए फी लीटर मुकर्रर। पीएम हाउस से पेट्रोल की कीमत में 15.40 रुपए कमी का ऐलान किया गया था। डीजल की कीमत में 3.86 रुपए फी लीटर कमी, नई कीमत 270.22 रुपए हो गई। मुल्क भर में सूरज के तेवर आज भी बरहम। बेशतर शहर हीट वेव की लपेट में, साहिवाल में पारा 46, सरगोधा में 45 डिग्री पर जा पहुंचा। जैकबाबाद और झंग में 44 डिग्री रिकॉर्ड, शिद्दत 50 डिग्री महसूस। मोहनजोदड़ो और लाड़काना में 44, दारदू में 43 डिग्री की गर्मी। लाहौर और रहीम या खान में 43, कराची में 37 रिकॉर्ड। पंजाब भर में गैस्ट्रो डायरिया और खसरा खतरनाक हद तक बेकाबू। खसरा से 24 घंटे में 3 बच्चे जहां बहक। फैसलाबाद में सबसे ज्यादा 41 बच्चे मर्ज का शिकार। गैस्ट्रो से एक हलाकत, सूबे में 21,000 अफराद मर्ज का शिकार। सारे बच्चे जो जहां बहक हो रहे हैं, जिनकी जाने जा रही हैं, असल प्रॉब्लम यह है कि इस पिछले 5 सालों में उनको जिस तरह से वैक्सीनेट किया जाना चाहिए था, उस तरह से वैक्सीनेट नहीं किया गया। स्पेशल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स जो हैं, टारगेटेड वैक्सीनेशन ऑफ मिस चाइल्ड्स, इसको फोकस करके बैठे हैं। पंजाब में बहुत से बच्चों को खसरा वैक्सीन ही नहीं लगी। सूबे में सेहत के लिए बेहतरीन निजाम की जरूरत है। सूबाई वजीर सेहत इमरान नजीर कहते हैं, पंजाब हुकूमत सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए इकदाम कर रही है। सूबे में 2016 में पोलियो केसेस 0 थे। रिवर्स स्पीड के दौर में पोलियो केसेस सामने आए। पोलियो ने एक और बच्चे को माजूर कर दिया, वालदैन को उम्र भर का गम दे दिया। शिकारपुर के 2.5 साल बच्चे में तस्दीक, रवा साल वायरस से मुतासर बच्चों की तादाद 4 हो गई। बलूचिस्तान में 3, सिंध में 1 केस रिपोर्ट हुआ। बाय नेचर एक फितना है, इसके अंदर तशद्दुद और इंतशार इसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। जो इन्होंने वीडियो जो है वो और ट्वीट की, वो खाली वीडियो, एक वीडियो पे बात ख़त्म नहीं हो रही, उस वीडियो के साथ चेन ऑफ सीरीज है। एक और 9 मई जैसा प्लान इनके दिमाग में है। बानी पीटीआई फितना है, तशद्दुद और इंतशार उनकी शख्सियत का हिस्सा है। उनके अकाउंट पर अब भी ट्वीट मौजूद है। उस्मा बुखारी कहती हैं, पीटीआई के दिमाग में 9 मई जैसा एक और प्लान है। 9 मई पर कमीशन बनाएं, मालूम हो सके बानी पीटीआई ये सब क्यों कर रहे हैं। रऊफ हसन सूबों को एक दूसरों के खिलाफ खड़ा करने की बातें कर रहे हैं। अपने जो ट्विटर हैंडलर है, एक्स हैंडलर को भी जो है आज वो डिसोन कर रहे हैं, और डिसोन करने के बाद आज तक उन्होंने वो ट्वीट डिलीट नहीं की है। 9 मई के मुलजमान हैं, उनको कैफर की दाह तक पहुँचाया था, और आप अपनी नालायकी, नाहली और जो है कोताही, अपनी लफ्जी गोला बारिश छुपाना चाहते हैं, तो वो नहीं छुपेगी। मरकज़ और सूबे के दरमियान जो है पुल का किरदार अदा करेंगे। पीटीआई ट्वीट की जिम्मेदारी कबूल भी नहीं कर रही, डिलीट भी नहीं कर रही। 9 मई के मुलजमान को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए, गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का मुतालबा। कहा, नालायकी और नाअहली बयानबाजी से नहीं छुप सकती। पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर आना चाहती है तो कुछ नहीं कहा जा सकता। रावलपिंडी में कमरा अदालत में हद तक आमेज रवैये पर मेंबर टेलीकॉम अदालत से गिरफ्तार। जुडिशियल मजिस्ट्रेट का बदतमीजी का सख्त नोटिस। आदिल सरवर सियाल ने मोहम्मद उमर मलिक को 15 रोज कैद, 2,000 रुपए जुर्माने का हुक्म सुना दिया।
मामू के घर से। अच्छा भला गया है बच्चा उसकी माँ के घर, उसका घर तो उधर है। बच्चा निकला, बस जल के आया तो कह रहा मम्मा मैं जल गया, मम्मा मैं जल गया। उन्होंने कहा बच्चा तू कैसे जल गया, कह रहा मम्मा मैं तेरा इतना हाथ जोड़ू मैं जल चुका। हैदराबाद में सिलेंडर धमाका, हलाकतों की तादाद 9 हो गई। जहां भाग शख्स की शनाख्त अजान शाकिर के नाम से हुई, इलाके में फिजा सोगवार, 7 बच्चों की तकसीम की जा चुकी है। इस्लामाबाद से वेतनाम की सफीर की अहलिया लापता, जराये के मुताबिक थाना मागला पुलिस ने सफीर की अहलिया की तलाश शुरू कर दी। पांच रोज हो गए लोअर दीर के जंगलात में लगी आग, ताहाल बेकाबू। 2 हेलीकॉप्टर्स भड़कते शोलों को काबू करने में नाकाम। मारकला की पहाड़ियों पर लगी आग से हजारों दरख्त जल गए, जंगली हयात भी मुतासर हुई। इंतजार की घड़ियां खत्म होने के करीब, T20 वर्ल्ड कप का मेला सजने को तैयार। इवेंट का इफ्तिताही मैच कल सुबह 5:30 बजे खेला जाएगा। अमेरिका और कनाडा की टीमें मध्य मुकाबले आएंगी। दूसरा मैच शाम 7:30 बजे वेस्टइंडीज और पापुआ न्यू गिनी के दरमियान शेड्यूल। गजा में 6 हफ्तों तक इब्तदाई जंग बंदी की जाए, इसराइली फौजें गजा से निकल जाएं, हेयर कमालियों और फलस्तीनी कैदियों का तबादला किया जाए। अमरीकी सदर जो बाइडन ने जंग बंदी का 3 मराहल पर मुश्तमिल नया मंसूबा पेश कर दिया। दूसरे मरहले में जंग के मुस्तकिल खात्मे की शराइत पर बातचीत होगी। तीसरे मरहले में गजा की तामीर नौ होगी। हमास ने तजावीज को मस्बत करार दे दिया। गजा और रफा लहू लहू, इसराइल के मजालिम जारी। 24 घंटे में मजीद 7 फलस्तीनी शहीद। जबालिया कैंप में 20 रोज से खून रेजी, 1000 से जायद मकाना तबाह। मलबे से 20 बच्चों समेत 70 अफराद की लाशें बरामद। वीरलबला में बमबारी से एक ही खानदान के 13 अफराद शहीद हो गए। गजा में शहदा की तादाद 36,284 हो गई, 82,000 से जायद जख्मी। भारत में कयामत खेज गर्मी, 48 घंटों में बिहार और उत्तर प्रदेश में 74 अफराद हलाक। नई दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और चंडीगढ़ भी हीट वेव की लपेट में, मजीद 2 रोज तक हीट वेव जारी रहने का इम्कान। आओ दोस्त बन जाएं, झगड़ा खत्म करें। भारतीय गुलूकार बादशाह ने हनी सिंह से झगड़ा खत्म कर दिया। उत्तराखंड में कॉन्सर्ट के दौरान कहा, तमाम गलत फहमियां खत्म करके आगे बढ़ने को तैयार हूं। गलत फहमी की वजह से हनी सिंह से रंजिश रखी। जिंदगी की राहों पर चलना सिखाते हैं वालदैन की मोहब्बत और मशवरे बहुत काम आते हैं। दुनिया भर में आज वालदैन का दिन बनाया जा रहा है। दिन का मकसद वालदैन की बेलौस मोहब्बत और तरबियत को खराज तहसीन पेश करना है। जापानी साइंसदानों का कमाल, दुनिया का पहला माहौल दोस्त सैटेलाइट तैयार कर लिया। रवां बरस के आखिर में खला में भेजा जाएगा।